बाढ़ जो है ना बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गया है। इधर देख रहे हैं जो बांध बंधा हुआ है, ग्रामीण लोग मिल करके बनाया हुआ है, सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, जो भी हो रहा है सब अपना लोग मिल करके। क्या समस्या है सर? कि पानी पूरा बढ़ रहा है, हम लोग डूब रहे हैं, पानी यहाँ झज दे रहा है, हम लोग के बच्चे की आशा नहीं है सर। क्या मतलब किन्हीं को बतलाए नहीं? BDO CEO SDO किन्हीं को इस सूचना दिए थे कि पानी तो दे रहे हैं, वो आ रहे हैं, ब्लॉक में रहते उसने बेचारा के बोले हैं तो बहुत मदद कर रहा है, देख रहे हैं कि बोरा दे रहा है, अब क्या देख रहे हैं, फिर भी नहीं बचने की आशा हो रहा है सर। लेकिन दीदी लग रहा है आप लोग के घर में भी पानी घुस रहा है, ये खंडा में भी डूबने का नौबत आ चुका है पूरे एकदम। क्या लगता है यदि ये खंडा डूब जाएगा तो कहाँ से आप लोग का खान पान होगा? कुछ भी नहीं आशा है सर, हम की जिंदगी की नहीं आशा है, खाने की क्या आशा है? मतलब जिंदगी सुरक्षित नहीं नजर आ रहा है? कोई इस लोग इस ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं सर, रात भी कुल प्राणी जल के गुमान कर रहे हैं, अपना अपना घर से जो भी जूटा बोरा है बकवा कुदारी सब कठौती लेके गुमान कर रहे हैं बाले बच्चे, फिर भी कोई नहीं देख रहे हैं के जी परी कि हमारे सहारा कोई ठड़ी हो रहा है। क्या नाम है दीदी? रेखा देवी। कौन सा गांव से हैं आप? जगजानपुर से या बटरिया विखा दोनों मिल के बलबान पर हैं सर। समस्या है जैसा कि देख रहे हैं सर, ये जो है बाढ़ जो है ना बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया है। इधर देख रहे हैं जो बांध बंधा हुआ है, ग्रामीण लोग मिल करके बनाया हुआ है, सरकार की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा है, जो भी हो रहा है सब अपना लोग मिल करके रात भर काम किया हुआ है, तभी जा करके ये अभी खंधा और ये घर जो है बचा हुआ है। अगर जो ग्रामीण ये भी देख रहे हैं ज्यादा दैनिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है, कभी भी ये जो है ये खंडा जो है दे सकता है, बाढ़ जो है अपना बहुत भयंकर रूप ले चुका है, देख रहे हैं पूरा जो घर है पानी गया हुआ है, पूरा घर के अंदर पानी गया हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी ना कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, नहीं कोई सरकारी आदमी अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, नहीं कोई प्रशासन पहुँच रहे हैं और ना ही अभी